साथ अनुराग सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धनपत राज और रजनीश कुमार शुक्ला एपीओ हो गए हैं। गहलोत सरकार में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय में विजिलेंस एएसपी रहे थे। गृह विभाग ने फिलहाल इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि प्रशासनिक विभाग से सामने आ रही है, धनपत राज और रजनीश कुमार शुक्ला एपीओ हो गए हैं। आपको बता दें कि गहलोत सरकार में सीएम कार्यालय में विजिलेंस एएसपी रहे थे। गृह विभाग ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए जानकारी दी है कि धनपत राज और रजनीश कुमार शुक्ला एपीओ गहलोत सरकार में यानी कि पिछली सरकार में ये दोनों ही अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में विजिलेंस एएसपी थे। गृह विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। धनपत राज और रजनीश कुमार शुक्ला एपीओ हो गए हैं। गहलोत सरकार में दोनों ही अधिकारी सीएमओ में थे और विजिलेंस एएसपी के तौर पर काम कर रहे थे, जिन्हें एपीओ कर दिया गया है। तो लगातार आपने देखा कि किस तरह से नई सरकार चुनने के बाद प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है और अब एपीओ की भी जानकारी मिल रही है। धनपत राज और रजनीश कुमार शुक्ला एपीओ हो गए हैं। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु देखिए, जब नई सरकार आती है अपने पसंदीदा अधिकारी को अपने पसंदीदा विभाग दिए जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं और इसी बाबत ये बड़ी खबर कि धनपत राज और रजनीश कुमार शुक्ला जो कभी गहलोत सरकार में सीएमओ कार्यालय में विजिलेंस एएसपी थे, अब एपीओ। नई सरकार के गठन के बाद में नए अफसर की कवायद जो अपने ऑफिस में लाने की कवायद जो है वो शुरू होगी और उसी कड़ी में एडिशनल एसपी हैं दिनेश कुमार शर्मा, उनको विजिलेंस के लिए पदभार नया सौंपा गया है और मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान से जुड़ी हुई जो विजिलेंस की जो खबरें होती है, जो विजिलेंस होती है यानी कि सतर्कता होती है, उसका पदभार अब दिनेश कुमार शर्मा देखेंगे। और वहीं पर इसके पहले जो धनपत राज एडिशनल एसपी थे जो कि विजिलेंस का काम देख रहे थे, उनको एपीओ कर दिया गया। उसके अलावा दीपक कुमार शुक्ला को एपीओ किया गया है और इसके अलावा दीपक कुमार गर्ग जो हाल ही में पदोन्नत हुए थे उन्हें भी एडिशनल एसपी सीआईडी एसएसबी में लगाया गया है और उन्हें सीएम विजिलेंस ऑफिस में तैनात किया गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर मैं दे दूं दर्शकों को कि 18 एडिशनल एसपी के तबादले राज्य सरकार ने किए, 18 एडिशनल एसपी के तबादले राज्य सरकार ने किए। सबकी सबसे बड़ी खबर मैं बताऊँ की दोनों एडिशनल एसपी के अलावा हाल ही में राजस्थान पुलिस के जो 18 एडिशनल एसपी है उनकी तबादला सूची भी राज्य सरकार ने जारी कर दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में ऑर्डर जारी किए और उसमें सुरेंद्र कुमार सागर को एडिशनल डीसीपी प्रोटोकॉल लगाया गया है। वहीं पर जो समीर कुमार दुबे हैं उनको एडिशनल डीसीपी वेस्ट का चार्ज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के लिए है कि 18 एडिशनल एसपी के तबादले किए गए हैं। और वहीं पर विनोद कुमार जो सीपा है उनको एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक लगाया गया है जयपुर कमिश्नरेट में और करीब 8 एडिशनल एसपी के तबादले इस वक्त राजस्थान में जो जयपुर कमिश्नरेट वहां पर किए गए हैं। जी विष्णु, ये कोई रूटीन ट्रांसफर के तौर पर इसे देखा जाए या इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए, लंबे समय से इंतजार हुआ था नई सरकार के गठन के बाद, जब आईपीएस के तबादला सूची आई थी उसके बाद ये था कि अब एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों की तबादला सूची भी आएगी और उसी कड़ी में सबसे पहले 2 एडिशनल एसपी को बदला गया, जिसमें एडिशनल एसपी दिनेश कुमार शर्मा को विजिलेंस सीएमओ में लगाया गया और अब हाल ही में 18 एडिशनल एसपी के तबादले की जो तबादला सूची थी जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था वो तबादला सूची भी अब सामने आ गई है, जिसमें जयपुर कमिश्नर के करीब 3 से 4 अधिकारियों को बदला गया है। जी विष्णु, सवाल यही कि गहलोत सरकार में जो मुख्यमंत्री कार्यालय में रहे थे उनको एपीओ कर दिया गया है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल नई सरकार आती है अपने विश्वास अपने भरोसेमंद के अधिकारियों को लेकर के वो अपने लेकर के आती है और इसी कड़ी में धनपत राज जो सांखला थे लेकिन बेहद अच्छे ऑफिसर है, फिर भी उनको हटाया गया, एपीओ किया गया। अब देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में जो विजिलेंस का काम संभाल रहे एडिशनल एसपी धनपत राज सांखला उनको क्या जिम्मा दिया जाता है ये भी देखा जाएगा, लेकिन सरकार अपने भरोसेमंद अधिकारियों को जरूर लगाती है ताकि आने वाले में प्रशासन जो है वो अच्छे से चले और उनकी विश्वसनीयता की वजह से ही सरकार का कामकाज आगे बढ़ता रहे। ये पुराना सिलसिला रहा है जिसको मौजूदा सरकार ने भी फॉलो किया है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर, 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के भी तबादले हुए हैं, सूची तो तबादलों की सामने आई है। News18 राजस्थान अपने दर्शकों को वो सूची भी दिखा रहा है। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, NH40